गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 22nd of December 2022। आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स आपका अभी है 103.98। हालांकि ईयर एंड है, क्रिसमस का हॉलीडे है, न्यू ईयर का हॉलीडे है, मार्केट में ज्यादा कुछ एक्टिविटीज होने वाला नहीं है। सो कंसोलिडेशन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर। डॉलर रुपी 82.87 में है, बेसिकली ये रेंज में अटका हुआ है, 82.15 से 82.20 ऑन द लोअर साइड एंड 82.85 से 82.90 ऑन द हायर साइड। इसको अगर मूव करना है तो आपको ये रेंज से बाहर होना पड़ेगा एंड देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के ये ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है। जीबीपी डॉलर अभी है 1.2120, तो ये जो हमारा एक लेवल था 1.2100, उसके नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.1825, कल उस लेवल के नीचे क्लोज दिया है। आज हमें फॉलो थ्रू चाहिए, उसके नीचे फॉलो थ्रू चाहिए, यानी एक आवरली बेसिस पे 1.2050 के नीचे अगर आवरली क्लोजिंग दे देता है, देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के जीबीपी 1.1950 एंड 1.1800 के तरफ मूव कर सकता है। जीबीपी आईएनआर अभी है 100.38। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन। यहाँ ये कंसोलिडेशन के बाद क्या ये ऊपर जाता है वो हमें देखना पड़ेगा। यूरो डॉलर अभी है 1.0630, दैट बीइंग द केस सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन। कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाने का एक प्रयास कर सकता है, बट यहाँ पे एक ट्रेंड चैनल रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है और एक सपोर्ट है। टाइम बीइंग ये यूरो डॉलर इस चैनल के अंदर में ही रहना चाहिए। यूरो आईएनआर अभी है 88.09, दैट बीइंग द केस थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 88.90 ऑन द हायर साइड एंड 87.50 ऑन द लोअर साइड। इस रेंज में एक थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन अभी है 131.80, दैट बीइंग द केस आपका ये कल एक इनसाइड बार बनाया हुआ है, इनसाइड बार टू 20th दिसंबर का कैंडल। इसके इनसाइड बार के लो के नीचे हम फिर दोबारा जो अभी स्विंग लो था डेट इज 130.56 वहां तक जाने का प्रयास करेगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, दैट इज आपका 131.25 और नीचे की तरफ 130। सो 130.25 से 131.25 एक हम सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या ये इसको ब्रेक करता है ये हमें देखना पड़ेगा। देन येन आईनर है 0.6282, ये यहाँ पर भी देखिए 20 तारीख के ह्यूज कैंडल के बाद कल एक इनसाइड बार बनाया हुआ है। दैट मीन द केस ये इनसाइड बार का हाई के ऊपर ये जो स्विंग हाई है दैट इज 0.6317 वहां तक जा सकता है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा क्या ये हाई को तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। डॉलर कैंडल 1.3595, जैसे कि हम इंतजार कर रहे थे, रेड कैंडल जो ट्रेंड लाइन के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा, क्या आज ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है या नहीं देता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर देता है तो देन फिर नए एनालिसिस करेंगे हम। ऑसी डॉलर अभी है आपका 0.6740, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बीच में रहना चाहिए, ऊपर में 6880 एंड नीचे की तरफ 6650, ये दो बी के बीच में 200 पिप्स के बीच में ये साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है। डॉलर सीएनएच 6.9681, ये नीचे आपका 6.92 ऊपर 7.01 इसके बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, एक बार ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे नया सिरे से। ब्रेंट ऑयल 82.49, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये थोड़ा सा अपस्विंग मार सकता है। अपस्विंग मारने से जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है वो है 89.50 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड देन द सेकंड रेजिस्टेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी 92.70। US 10-year treasury अभी है 3.654%, that being the case, यहाँ पे हम थोड़ा सा sell off expect कर सकते हैं। anyway, the ऊपर जो आपका resistance रहेगा वो है आपका 3.84 और अभी ये यहाँ पे हल्का सा sideways consolidation से हल्का सा lower pinch हम means थोड़ा सा sell off, slight sell off to consolidation,
ये इसके बीच में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, ज्यादा कुछ अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक द वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा, इफ सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एहेड।